आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को स्टोरी और स्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। स्टोरी से स्क्रिप्ट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अपने स्टोरी को आप स्क्रिप्ट में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने एक स्टोरी लिख ली है लेकिन स्क्रिप्ट लिखना आपको आ ही नहीं रहा है, तो स्टोरी को स्क्रिप्ट में बदल करके आप कैसे एक नया रूप देंगे, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है सभी राइटर्स के लिए। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा वरना फिर पछताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि स्टोरी क्या होती है। स्टोरी में क्या होता है ना कि स्टोरी आप लाइन वाइज लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ये नहीं कि आप उसे सीन वाइज और लोकेशन वाइज अलग करके लिखते हैं। स्टोरी को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, लगातार लिखते चलते हैं। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये लोकेशन में जो कहानी थी वो पूरी हो गई, तो आप कोई दूसरी लोकेशन की दिखा रहे। सपोज किसी का घर है, वहां पर जो घटनाएं घट रही है वो आपने बता दिया, तो उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि कोई कॉलेज है वहां का घटना दिखा रहे हैं, तो आप जस्ट पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में सबसे पहले आपको बिगनिंग का पार्ट लिखना पड़ता है, जो आपके कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे आपके स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिसमें मेन कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जो हीरो और हीरोइन है। मेन कैरेक्टर्स से मतलब है हीरो और हीरोइन। तो हीरो हीरोइन का आप बैकग्राउंड लिख करके, फैमिली बैकग्राउंड और वो लोग क्या करते हैं वो सब लिख करके आपको क्या करना है ना, आपको उसे स्टार्ट करना है, यानी आपको बिगनिंग का पार्ट लिखना है। तो वो सब आप लिख देंगे, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देंगे और कहानी क्या है वो आप शुरू करेंगे। उसके बाद जैसा जैसा उस कहानी में हो रहा है ना घटनाएं, उन घटनाओं को आप लिखना स्टार्ट करेंगे। और जहां पर भी एक जगह की, एक लोकेशन की घटना जो है वो खत्म हो जाएगी, दूसरे लोकेशन पर आप जंप करेंगे, दूसरे लोकेशन पर आप जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर पैराग्राफ चेंज कर देना है। और देखिए, स्टोरी को पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। ये नहीं कि आपने एक एक चीज लिख दिया कि टेबल पर एक बुक रखी है, यहां पर पीछे में घड़ी टंगी हुई है, वो सब नहीं लिखना है। वो सब स्क्रिप्ट की बात होती है। स्क्रिप्ट में आपको जितने डिटेल से लिखना रहता है ना, आप लिखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप स्टोरी लिख रहे हैं ना, तो स्टोरी को आपको डिटेल में नहीं लिखना है। आप जो, जैसे आपने बच्चों की किताबों में कैसे स्टोरी पढ़ी है कि एक शेर था, एक चूहा था, शेर जो है वो सो रहा था तो चूहा आता है और आकर के शेर के ऊपर कूदने लगता है, तो ये स्टोरी का पार्ट हो गया। लेकिन इसी को अगर आप स्क्रिप्ट में बदलेंगे ना, तो वो अलग तरीके से हो जाएगी। देखिए, इतना तो आप समझ गए कि स्टोरी में आपको क्या करना है। आप घटनाओं को पैराग्राफ चेंज कर करके लिखते रहेंगे, जितनी भी घटनाएं रहेंगी ना आपके स्टोरी में, वो सभी को आपको लिखनी है। और उसके बाद उसका एंडिंग भी करना है, जैसे नॉर्मल कहानियों में एंडिंग होता है वैसे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए ना, तो बुक में आपने जो स्टोरी पढ़ी है ना, आपने बचपन में स्टोरीज पढ़ी होगी, तो सेम वे में आपको लिख देना है। लेकिन उसी को जब आप स्क्रिप्ट में बदलेंगे ना, तब आपको सेम स्टोरी को सीन वाइज और लोकेशन वाइज अलग करके लिखना होगा। जैसे फर्स्ट में आप जैसे कोई घटना दिखा रहे हैं अपने स्टोरी में, कि वो घर की घटनाएं आप दिखा रहे हैं कि घर में कुछ पर्टिकुलर चीजें घट रही है, तो वैसा आप दिखा रहे हैं, तो आपको स्क्रिप्ट में सीन नंबर वन डाल करके लोकेशन आपको होम का देंगे और फिर आप पूरा एक्शन लाइन में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या वहां पर आप दिखा रहे हैं। जितनी भी जरूरी चीजें, जो प्रॉप्स वहां पर यूज हो रही है, वो सभी आपको मेंशन करनी है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है वो बुक पढ़ रहा है, तो आपको वहां पर लिखना होगा कि वो सोफे पर बैठ करके बुक पढ़ रहा है। अगर वो पेन को उठाता है तो वहां पर आपको लिखना होगा कि वहां पर एक पेन रखी हुई है, तो बाद में ऐसा होता है कि वो लिखने के लिए पेन को उठाता है और ऐसे करके लिखता है, तो ये सभी आपको वहां पर डिटेल में लिखना है। अगर कोई कैरेक्टर अंदर आ रहा है तो उसके हाथ में क्या है, कोई बैग है, कोई रुमाल है, क्या है, वो सभी चीजें लिखनी पड़ती है पूरी डिटेल में। और स्क्रिप्ट में आपको डायलॉग्स भी लिखने पड़ते हैं, तो कैरेक्टर का नेम लिख करके आपको डायलॉग्स लिख देने हैं कि वो क्या बोल रहा है, और एक्सप्रेशन भी वहां पर लिखना है, जिसे पैरेंथेटिकल कहा जाता है। एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं कि वो हाथों को हिलाते हुए बोल रहा है, या उदास में बोल रहा है, या खुश होकर के बोल रहा है, तो ये सभी चीजें आपको स्क्रिप्ट में लिखनी पड़ती है। इसके अलावा जब एक सीन से दूसरे सीन में आप जाएंगे, तो आपको वहां पर स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन डालनी पड़ती है। वो ट्रांजिशन जो है वो एक अलग ही टॉपिक है, तो उस पर हमारे चैनल पर वीडियो है, आगे भी वीडियोस आएगी कि स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन क्या होता है। आप इतना जाने कि एक सीन से दूसरे सीन में आप जाएंगे, तो बीच में जल्द जो आता है उसे अवॉइड करने के लिए एक ट्रांजिशन डाला जाता है। मैक्सिमम तो कट टू होता है, लेकिन उसके अलावा भी होती है डिजॉल्व टू, फेड आउट, फेड इन, आयरिस आउट, आयरिस इन, फिर फेड टू ब्लैक, बहुत सारी होती है। तो वो सभी जो है वो आपको वहां पर लिखने पड़ते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वो एक बात हो गई। और इसके अलावा जो राइटर्स जो है कैमरा शॉट्स लिखने में सक्षम रहते हैं, वो कैमरा शॉट्स साइजेस भी लिखते हैं कि मिड शॉट में ले रहे हैं या
क्लोजअप में ले रहे हैं, वो सभी भी लिखते हैं और ऐसे लिखना चाहिए एक राइटर को। तो ये सभी चीजों को मेंशन करते हुए आपको अपनी स्टोरी को स्क्रिप्ट में बदलना है। तो स्टोरी और स्क्रिप्ट में जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो होता है डिटेलिंग का। सर नमस्कार, हम भोलू प्रसाद है पटना बिहार से। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए हैं? अरे सर अभी ना बताए हम आपको, हम भोलू प्रसाद है पटना बिहार से। आपका असिस्टेंट जो है ना एक नंबर गया हुआ था, इसीलिए इतने में हम अंदर चलाए। अच्छा ठीक है, काम क्या है ये बताओ। सर गांव से अपना 2 एकड़ जमीन बेच करके हम बंबई हीरो बनने के लिए आए हैं। आपका प्रोडक्शन हाउस दीरिस फिल्म्स में हमको एक रोल दे दीजिए ना सर, हमको हीरो बनना है। ऐसे उलिए में तुम्हें कौन हीरो बनाएगा? अरे कोई ना कोई तो बनाइए देगा सर, आप देखिएगा हम हीरो एक दिन जरूर बनेंगे। आई लाइक दैट। पर अगर तुम हीरो नहीं बन पाए तो? अरे कोई यो दिक्कत नहीं है सर, अगर हम हीरो बन गए ना तो हमारे घर वाले खुश, और नहीं बने तो पड़ोसी खुश। हमरे जैसा पॉजिटिव सोचा कीजिए सर, पॉजिटिव। ओके बोलो, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। ओके। अरे कैमरा, इतना सारा लाइट सब, अरे माइकवा पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, अरे फिल्म डायरेक्टरी बुक, वाह, एगो हमको भी दीजिएगा सर, हम भी प्रोड्यूसर सबको फोन करेंगे इसमें से देख करके, एगो हमको भी दीजिएगा जान टाइम। ठीक है, जाते वक्त मैं तुम्हें एक फिल्म डायरेक्टरी बुक दे दूंगा। ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर एगो और बात, हमारा भी एगो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है भोलू पंती, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग सब भोलू पंती को। यूट्यूब पे सर्च कीजिए भोलू पंती और जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे सर है ना आकाश सर, इनका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दे दीजिएगा ना सर लिंक, दे दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो भोलू पंती को जाकर के अभी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग सब। हमारा नाम है भोलू, वैसे हमें बहुत चालू। ठीक है भोलू, वेट करो। ओके ठीक है सर, आप रिकॉर्ड कीजिए, हम भेंट करते हैं। ठीक है, आप आइएगा तो हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं बता रहा था कि स्टोरी को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना है। लगभग लगभग मान के चलिए कि आप 30 से 40 पेज में स्टोरी को रेडी कर देंगे। स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट जब आप लिख रहे हैं ना, तो स्क्रिप्ट आप लगभग लगभग 120 पेजेस की लिखेंगे अगर आप 2 घंटे की फीचर फिल्म लिख रहे हैं तो। तो ये बात एक हो गई। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जब भी आप स्टोरी लिखते हैं ना, तो उसमें डायलॉग्स बहुत ज्यादा मत लिखिए। जो आपको जरूरी लगता है ना, जो एकदम मेन डायलॉग्स है वही आप लिखिए जो जरूरी है, वरना आप स्क्रिप्ट में ही वो सब डायलॉग्स को लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि स्टोरी में अगर कुछ पर्टिकुलर चीजें दिखानी है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको स्टोरी में है कि 2 कैरेक्टर रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय कॉफी कुछ भी डिनर वगैरह कर रहे हैं, तो एक जो है वो वेटर को बुला करके बोलते हैं कि वेटर इधर आओ मुझे कॉफी दो। ठीक है, तो ये डायलॉग हो गया। लेकिन जब आप स्टोरी में आप लिखते हैं तो आपको वहां पर ये लिख देना है कि जो सपोज मान लीजिए कि कैरेक्टर का नाम है रोहन, तो आप लिख देते हैं रोहन वेटर से 1 कप कॉफी मांगता है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो स्टोरी में डायलॉग्स आपको जितने कम आप लिख सकते हैं ना वो लिखिए, जो मेन डायलॉग्स है, और स्क्रिप्ट में आपको डायलॉग्स के सहित लिखना है। तो आई होप कि आपको अच्छी सी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ भोलू पंती को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर के, बहुत मस्त मस्त कॉमेडी वीडियोस आती है उसमें, जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिए भोलू पंती। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।